फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ श्वेता सिंह। आप सब कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह का टाइम है, अभी 10:30 के आसपास है, मतलब 10:30 बजने वाले हैं। और यहाँ पे ना ग्राउंड में क्रिकेट हो रहा है, जो कि मैं आगे ब्लॉग में आप सबको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो अभी मैंने थोड़ा सा ये रिकॉर्ड किया है, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर। तो अभी ये सुबह का टाइम है और नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं बाहर का दिखाऊंगी जो ग्राउंड में मैच हो रहा है। तो नाश्ते में था मिंडू वड़ा और साथ में था ढोकला वाइट वाला और सेवई का हलवा था, चटनी थी, सब बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो फिर अभी ये गर्म था ना, इसलिए मैंने सोचा फटाफट सब लोग नाश्ता कर ले, उसके बाद फिर मैं बाहर का शूट करूँगी, वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो हमने नाश्ता किया ना, तो यहाँ पे जो भैया रहते हैं, जो लोग मतलब यहाँ पे इसकी देखभाल करते हैं, उन लोगों ने ही मंगवाया था। उनके किसी रिलेटिव की शॉप है, जो कि सुबह में वो लोग नाश्ता वगैरह बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो हम लोग के नाश्ते के लिए प्लान था कि आज यही खाना है, क्योंकि यहाँ का काफ़ी अच्छा लगता है सबको। तो बस ये था हम सबका नाश्ता, उसके बाद मैं आपको ग्राउंड में ले चलती हूँ। तो ये ग्राउंड में क्रिकेट स्टार्ट हो गया था और मैंने आवाज़ को ना म्यूट नहीं किया है। सानिया बैठी थी गार्डन में, धूप ले रही थी और यहाँ पे क्रिकेट चल रहा था, तो काफ़ी शोर हो रहा था। मैंने इसको ऐसे ही रिकॉर्ड किया है। और ये ग्राउंड ना बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे अक्सर क्रिकेट मैच होता रहता है, कभी किसी के साथ टूर्नामेंट रहता है, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। और इधर मैं दिखाती हूँ, सुबह में ये गार्डन की साफ़ सफाई हो गई थी और काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर आए हैं इसमें, तो वो भी मैं दिखाऊँगी, क्योंकि गुलाब के ना बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये वाला जो है ना गुलाब, इसका कलर कितना प्यारा है। और इसके पहले भी था ना वो, जो मतलब गार्डन के साइड में मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना, उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े फूल आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और सुबह में धूप लेना भी बहुत अच्छा लगता है। तो इधर के गार्डन में सब लोग बैठते हैं धूप वगैरह लेने के लिए। और अभी मैं थोड़ा सा गेट से बाहर निकल के और ये जो ग्राउंड का है क्रिकेट मैच हो रहा है वो दिखाऊंगी, हालांकि ज़्यादा पास से नहीं दिखाऊंगी, मैं अपने गेट के पास से ही रिकॉर्ड कर रही थी। और काफ़ी लोग आए थे, आप देख सकते हैं दूर से दिख रहा होगा, तो काफ़ी भीड़ लगती है जब यहाँ पे क्रिकेट वगैरह होता है ना। और ये इतना बड़ा ग्राउंड है ना, क्रिकेट मैच होता है, शूटिंग वगैरह भी होती है। और मतलब ये ग्राउंड की ना बहुत ही खासियत है काफ़ी कुछ, जो कि मैं अपने ब्लॉग में आपको बताऊंगी। यहाँ पे बहुत सी ना शूटिंग हुई है और उन सब के बारे में भी बताऊंगी। और मैंने ये थोड़ा रिकॉर्ड किया ना नाश्ता करने के बाद, अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि यहाँ का जो लोकल मार्केट है ना वो संडे को लगता है। तो हम लोग आए हुए थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है एक बार मार्केट भी घूम लेते हैं, देखते हैं यहाँ का मार्केट कैसा है। तो आप सब भी चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ कि ये जो गांव साइड का है मार्केट, यहाँ का कैसा होता है, कैसे सामान यहाँ पे बिकते हैं और प्राइस क्या रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी आज के ब्लॉग में आप सबको। थोड़ी दूर पहले ही गाड़ी को पार्क करना था, क्योंकि ये जो मार्केट है ना ये रोड पे ही लगता है, तो संडे वाले दिन ना इधर से गाड़ी वगैरह नहीं जाती है।
और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से ही मार्केट लग जाती है और काफ़ी कुछ यहाँ पे मिलता है, जैसा कि आपने देखा ना, डोरमैट था, चटाई था, इधर बच्चों के टॉयज़ हैं और इधर स्लीपर था, और ये देखिए नाइटी वगैरह, जैसा कि वो बोलते हैं ना कॉटन का गाउन आता है वो है, ब्लाउज़ वगैरह है, और यहाँ पे ना कांच के काफ़ी बर्तन थे, ग्लास थे, कप वगैरह थे, सब कुछ था और काफ़ी अच्छे प्राइस में यहाँ पे मिलता है। अगर आपको बार्गेनिंग करने आती है ना तो यहाँ से आप काफ़ी शॉपिंग कर सकते हैं। और अलग अलग तरीके का था, सब कुछ था, थोड़ा बहुत जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। हालांकि यहाँ पे ना जो भी मैंने उनसे प्राइस पूछा, बात की ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा शोर की वजह से मैंने म्यूट किया है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे कड़े थे, मतलब वो जो हम लोग हाथ में पहनते हैं कड़ा ना, वो था। तो इसका जो प्राइस था, आप कोई भी लें, वो 100 का ही था, तो ऐसे ही था। और यहाँ पे देख सकते हैं हेयर बैंड, क्लचर और ये सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पे भी ना इनका फ़िक्स रेट रहता था अक्सर। यहाँ पे जो चीज़ें थी ना वो 60 का दो था, दो सेट मिल रहा था। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पे अलग प्राइस थी, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करेंगे और एक साथ चार पांच चीज़ें लेंगे ना तो वो आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाती। तो यहाँ पे ब्रेसलेट एक भैया बेच रहे थे, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया। तो ये सब यहाँ पे ना, ये ब्रेसलेट का भी पेयर था ना, ये आपको 60 में दो मिलता, वो 50 में भी अगर आप बात करेंगे तो देने को तैयार थे। और काफ़ी तरह तरह के बर्तन भी थे, कपड़े भी थे, ज्वेलरी भी थी, सब कुछ था। तो यहाँ पे ना चप्पल थे और जैसे होता है डेली यूज़ वाले स्लीपर वगैरह, जूती भी थी, काफ़ी अच्छी अच्छी जूतियाँ थी। तो और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी एक भैया अपना लगाए हुए थे दुकान ना, इनके यहाँ भी कोई भी आप कोई भी कड़ा लेंगी ना वो 100 रुपये का ही था। और यहाँ पे भी ना उनके पास ज्वेलरी भी काफ़ी कुछ थी, तो हम लोग देख रहे थे। और इधर एक साइड में ढेर सारे ब्लैंकेट थे, वो सब भी थे, तो हमने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। उसके बाद धूप बहुत तेज़ लग रही थी, तो अभी हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद घर पहुँचने के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर पहुँच गए हैं और यहाँ पे ना लंच की तैयारी चल रही थी, मतलब लंच बन रहा था। एक साइड में जो कुकर में है ना, उधर चिकन करी बन रही थी और एक चिकन का स्टार्टर था, जो कि ये भैया बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये रेसिपी ना मैं अपने श्वेता स्पेशल वाले चैनल पे, जिस पे मैं कुकिंग की वीडियो डालती हूँ ना, उस पे मैं इसको पूरा शूट करूँगी, तो शेयर करूँगी आप सबके साथ। ये चिकन का जो स्टार्टर था ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही कम टाइम में फटाफट बना था, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत टेस्टी था। तो अभी हम लोग को आज ही निकलना है ना, तो कुछ चीज़ें हमने मंगवाई थी वो भी आ गया था, तो वो सब मैं रखी। उसके बाद ना यहाँ पे ये भैया जो बना रहे थे ना, इसको मैं पूरा देख रही थी, ताकि मैं इसको ये रेसिपी जब भी शूट करूँ तो आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही टेस्टी स्टार्टर बना हुआ था। मेरे घर पे ना मेरे हस्बैंड को बच्चों को बहुत पसंद आता है, वो लोग जब भी आते हैं ना तो ये ज़रूर खाते हैं उनके हाथ का। तो इस बार मैं आई थी तो मैंने पूरी प्रॉपर रेसिपी देखी, और वो मैं बहुत ही जल्द आप सबके साथ अपने दूसरे चैनल पे शेयर करूँगी। और यहाँ पे लंच बन के रेडी हो चुका था, एक ड्राई स्टार्टर था जो कि मैंने आपको दिखाया, और एक चिकन की ग्रेवी थी, रोटी थी, बस यही था हमारा लंच आज का। और साथ में सैलेड में सिर्फ नींबू और प्याज था, क्योंकि अक्सर चिकन या मटन के साथ यही खाना पसंद करते हैं। तो अभी हम लोग लंच करेंगे, और लंच करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद आज ही शाम को हमें निकलना है। तो आज का ये ब्लॉग है वो मतलब यहाँ का जो है यहीं तक रहेगा, उसके बाद मैं अपने घर पे पहुँच के वहाँ से कंटिन्यू करूँगी।
और अब ना हम लोग निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो लंच के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट किए, उसके बाद अभी ना ये 5:30 बजे का टाइम है और हम लोग चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। फिर उसके बाद अब जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? एक्चुअली ये तो मेरा ब्लॉग चैनल नया है, तो शायद आप लोग को पता नहीं होगा कि मैं कहाँ पे रहती हूँ। फिलहाल तो आज के ब्लॉग में आपको पता चल ही गया था कि मैं मेरे फॉर्म हाउस पे आई हुई हूँ, लेकिन मैं रहती कहाँ पे हूँ वो आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और ये आप देख सकते हैं ना, ये सारी जो सीन आपको दिख रही है ना, ये किसी ना किसी सीरियल या मूवी में दिखी होगी, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शूटिंग होती है सीरियल की, मूवी की, वेब सीरीज़ की, और जितने भी धार्मिक सीरियल आते हैं ना वो ज़्यादातर यहीं पे शूट किए जाते हैं। यहीं पे ना स्टूडियो भी है। मैं आपको फिर कभी आऊँगी तो वो अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी। और यहाँ पे ये बस देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये स्टूडियो है और लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। तो हालांकि स्टूडियो के अंदर का रिकॉर्ड करना तो अलाउ नहीं रहता है, लेकिन हाँ बाहर से जो थोड़ा बहुत पॉसिबल होगा वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जब भी आऊंगी। और यहाँ का जो बीच है ना वो मैंने आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि हर चीज़ को एक साथ में नहीं दिखाना था, थोड़ा सा कुछ रखना चाहिए ना, नेक्स्ट टाइम आके फिर मैं वो सब दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना काफ़ी कुछ है जो कि मैं जब आऊंगी तो वो सब चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।